सर पीएनबी कैसा दिखता है सर, पंजाब नेशनल बैंक? सर टोटली अवॉइड है, ना ही इसमें ट्रेडिंग करें, ना ही इन्वेस्टमेंट करें, ना ही मिड टर्म, ना ही शॉर्ट टर्म, ना ही कुछ। आज को मंथली चार्ट में देखो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप तीन स्टॉक को आइडेंटिफाई करो, पहले पीएनबी देखो, उसके बाद आप देखना कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप देखोगे तीनों की कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है। बट पीएनबी 2020 के करेक्शन के बाद जो अपमूव आया था, मैं अभी की बात नहीं करूँ, मैं 2020 के करेक्शन के बाद जो अपमूव आया था उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव में, और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आ रहा। मगर कैन बैंक देख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, ये छोटी तीनों एक ही कैटेगरी के बैंक है, बट रिजल्ट भी अच्छा आया और उनका चार्ट इतना बुरा नहीं है, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखोगे कैन बैंक 100 के नीचे आया था, वहां से 214-215 चल रहा है। हमने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था 170 में, जब हमने आपको चैनल में भी दिया था, और 240 में प्रॉफिट भी कराया था। बट आपको अगर गवर्नमेंट कंपनी में आना है तो कैन बैंक ज्यादा अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर छोटी कंपनी चाहिए तो बैंक छोटी मतलब टिकट साइज में छोटी, कंपनी छोटी नहीं है, जो भाव में छोटा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 100 रुपए के भाव में चल रहा है। ये दोनों कंपनी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मंथली चार्ट में देखोगे सर तो अच्छा लगेगा। हाँ तो ये देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट एक पीएनबी है जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड स्लोप में है, तो इसको प्योरली अवॉइड जोन में रखें तो ज्यादा बेटर। ये राय प्योरली अवॉइड जोन में रखने की राय पंजाब नेशनल बैंक। पैसा अगर लगाया भी हुआ है तो उसको स्विच कर लें कैन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस होती रहेगी। ठीक है, ये राय है पंजाब नेशनल बैंक के लोकेश से।